हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, लेकर हाजिर हूं आपके और हमारी दुनिया का सारा अपडेट। और आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी समस्या की जिससे हम सब जूझ रहे हैं। लॉकडाउन में कोरोना वायरस की वजह से सब लोग घर में कैद हैं, ऐसे में सेहत का ख्याल कैसा रख रहा है, और इसका भी सोल्यूशन है क्योंकि घर बैठे भी आप अपनी सेहत पर ध्यान रख सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो घर बैठे आपको ये सपना पूरा कर सकते हैं फिटनेस का। तो मेरे साथ हैं यशवर्धन स्वामी, जो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं आम आदमी के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए, जहां पर आप घर बैठे फिट रह सकते हैं। तो यश, हेलो, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो जब हम कोविड की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम कैलोरीज ज्यादा बर्न नहीं कर पा रहे बिकॉज हम घर पे हैं फॉर द मोस्ट पार्ट, खा रहे हैं। उसका स्टेप नंबर वन है कि हमें वेज ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम एक्टिविटी ज्यादा कर पाए, कैलोरीज ज्यादा बर्न कर पाए। उसके लिए सबसे ईजी है वॉकिंग मोर। कैसे करें? अब आप सोचोगे घर के अंदर कैसे वॉक करें, तो एक स्ट्रैटेजी है जिसको कहता हूं मैं EHOH स्टेप्स, जिसमें हम हर घंटे उठ के 1000 स्टेप्स वॉक करते हैं। 10 मिनट्स की वॉक है एवरी आवर, एंड बाय एंड ऑफ द डे हम 10,000 11,000 स्टेप्स हिट कर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हम सिंपली बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करें या कुछ भी मिनिमल इक्विपमेंट है घर पे हमारे पास उससे एक्सरसाइज करें। थर्ड ऑप्शन है घर की स्टेयर्स, अगर किसी को नी इशू नहीं है तो घर की स्टेयर्स पे कार्डियो कर सकते हो। और कैलोरीज बर्न करने के वैसे बहुत तरीके हैं, प्लेइंग गेम, बैडमिंटन अगर आप खेल सकते हैं, उसके अलावा डांसिंग से कैलोरीज बर्न हो सकती हैं। दूसरा फ्रंट आ जाता है कैलोरीज बर्न के अलावा कैलोरीज कंज्यूम। घर पे क्या हो रहा है आजकल, हम घर वालों के साथ हैं, बॉन्ड कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें सबके अंदर से का कुक बाहर, शेफ बाहर आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। और एक और चीज है कि जब घर पे हम ज्यादा होते हैं, इतने बिजी नहीं होते, तो कैलोरीज हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर वन, अंडरस्टैंड करना कि हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा है कि लो कैलोरी स्नैक्स खाएं, एंड जो भी हमें डिजर्ट पसंद है या जो भी हमें पसंद है हाई कैलोरी, उसका लो कैलोरी वेरियंट ढूंढने की कोशिश करें। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मी देखा जाए तो ये बहुत अच्छा टाइम है अगर हम अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास खुद के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, घर पे हैं, कोई ट्रैवल टाइम नहीं है। अगर वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो हमारे दिन में 3 से 4 घंटे बच रहे हैं। इस टाइम पे हम अपने न्यूट्रिशन पे काम करें, अपने वर्कआउट पे काम करें, मूवमेंट पे काम करें, इसके अलावा अपनी स्लीप पे भी काम करना हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। यश, आपके इंस्टाग्राम पे बड़े इंटरेस्टिंग प्रोफाइल्स हैं, मतलब पहले मैं ऐसा था, फिर ऐसा हो गई, मैं ऐसी थी, मतलब वो जो जर्नी क्या सच में होती है, मतलब वो मुझे लगता था कि एडवर्टाइजमेंट में होता था, बट एक्चुअली जो दिख रहे हैं प्रोफाइल्स, एंड आई मीन हाउ आर रियल आर द स्टोरीज एंड How did it happen? First of all, they are 100% real. मैं बताता हूँ मेरी खुद की जर्नी ऐसी एक स्टोरी से ही स्टार्ट हुई। खुद की जर्नी में मैंने 44 kg लूज किया, 120 kg वेट था, 44 kg लूज किया। जब लूज किया तब मैंने काफ़ी मिस्टेक्स करी, काफ़ी टाइम खराब करा शॉर्टकट्स ढूंढने में, एंड जब मैं अपने गोल तक पहुँच गया, मुझे लगा कि सबको ये चीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज इसमें, इस प्रोसेस में मैं एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी थी। तो आप जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हमारे पेज पे, सारी 100% ट्रू है, एंड सारी हार्डवर्क से हैं ये, कोई ऐसा कोई मैजिकल वो नहीं है। हार्डवर्क है जिसमें हम न्यूट्रिशन फिक्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग फिक्स कर रहे हैं, एंड बाकी पूरा लाइफस्टाइल फिक्स कर रहे हैं। तो अभी जो लॉकडाउन की वजह से घर पे आई मीन आप सबके जॉब्स बहुत ही चैलेंजिंग हो गए हैं, तो आपने ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स किस तरह के डिवाइस किए हैं कि लोग घर बैठे ही ये सब कर सके? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी कोचिंग एक बहुत डायनामिक प्रोसेस है। सिर्फ लॉकडाउन की बात भी नहीं, वैसे भी बात करूंगा, हमारी लाइफ डे टू डे बेसिस पे चेंज होती है, एंड हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो हमारे फिटनेस गोल्स हैं वो हमारे लाइफस्टाइल के आसपास रिवॉल्व करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लाइफस्टाइल फिटनेस गोल्स के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। अगर लाइफस्टाइल रिवॉल्व कर रहा है, आप ज़्यादा दिन कर ही नहीं पाओगे, तो चीज़ें कन्वीनियंट होनी चाहिए। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी सिचुएशन है कि लॉकडाउन चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम सिंपल, अगर घर पे वेट्स नहीं है तो भी हम वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। सिंपल थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल 2 लीटर वाटर बॉटल्स को हम एज वेट्स यूज़ कर सकते हैं, बैग्स में बुक्स डाल के हम एज अ वेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशन, तो देखिए अभी फूड अवेलेबिलिटी इस वाले लॉकडाउन में तो काफ़ी ठीक है मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में, तो उसके अराउंड वर्क करना तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आपने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन किया है। एक बहुत फेमस टीवी एक्टर है जो हमारे चैनल पर बड़े लोकप्रिय हैं, कृष्णा सुमेध और रोहित खंडेलवाल और अपार शक्ति खुराना,
तो कैसी थी इन लोगों की फिटनेस जर्नी? डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव जर्नी थी, एंड एज अ कोच मैं बताऊं तो मैं इनसे बहुत चीजें सीखा हूं, बिकॉज सेलिब्रिटीज का सबको ये लगता है कि इनकी लाइफ बहुत इजी है, बट इतनी बिजी लाइफ है एंड उसके ऊपर फिटनेस मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत इश्यूज आते हैं। स्पेशली सुमित का एग्जांपल लें तो उनके शूट चलते थे 18-18 आवर्स, बट स्टिल उनकी इतनी डेडिकेशन लेवल थी कि वो वर्क अराउंड करते थे। ऑब्वियसली हमने न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग उस हिसाब से सेट करी कि थोड़ी कन्वीनियंट हो, बट डेफिनेटली इनका हमें हमेशा ये लगता है कि यार सेलिब्रिटीज की लाइफ बहुत ग्लैमरस है, डेफिनेटली ग्लैमरस है, बट बैक एंड पे वो लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की उनको इतनी जरूरत पड़ रही है कि एक एक मिनट वो कोई एक मिनट भी नहीं वेस्ट कर रहे, तो वो एक बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ है मेरे लिए जो मैंने खुद सीखी इनसे। जी तो और अपार शक्ति और रोहित का अगर एग्जांपल करें, अपार शक्ति क्योंकि काफ़ी सारी फिल्मों में भी रहते हैं, रोहित क्योंकि एक मॉडल हैं, मिस्टर इंडिया हैं, तो दोनों के मतलब फिटनेस जो उनके गोल्स आई एम श्योर अलग होंगे, सो व्हाट अबाउट दीज टू? यस depends upon the phase, because you know if we are actually looking for, at times we are aiming to look better, at times we are just looking for you know feeling better, being more productive, to wo phase wali baat aa jati hai, to wo goals change hote rehte hain depending upon the situation, koi movie hai lean lagna hai thoda better lagna hai to alag baat hai, shoot hai to alag baat ho jati hai, generally maintenance pe rehna hai ki thoda convenient banana hai cheezon ko, to depending upon the goal hum periodize karte hain cheeze nutrition aur training। तो आप तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जनरली लोग बहुत कॉन्शियस हैं, मतलब कंपेयर टू व्हेन यू लुक एट बॉम्बे, बॉम्बे सेलिब्रिटीज़ और यहाँ पे लोग काम के लिए आते हैं, तो दिल्ली और बॉम्बे के लोगों का फिटनेस टेम्परमेंट कैसा है? मैं जनरली जानना चाहूँगा, गेट इंट्रिग, बिकॉज दिल्ली हैज़ डिफरेंट टेम्परमेंट, मुंबई हैज़। ऑनेस्टली बताऊं तो पूरे इंडिया में आजकल इट्स ऑन द राइज, इट्स इंप्रूविंग, एंड लाइक आई मेंशनड थैंक्स टू द सेलिब्रिटीज बिकॉज दे हैव बीन इंस्पायरिंग अस, बिकॉज यू नो व्हाई डू वी कॉल देम सेलिब्रिटीज, बिकॉज हम उनको फॉलो करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं वो एक अच्छे फिजिक के टुवर्ड्स वर्क कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग सो बिजी, तो ट्रेंड इज ऑलवेज गोइंग अप एंड अप, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग बेटर, इट्स अबाउट फीलिंग बेटर, एंड यू नो हैविंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, हैविंग नो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एंड एवरीथिंग। तो ट्रेंड अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि दिल्ली के लोग ज्यादा कॉन्शियस है या बॉम्बे के कम है, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, बट जनरली स्पीकिंग इट्स ऑन द राइज, फिटनेस इज ऑन द राइज, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। आजकल जो इंस्टाग्राम एक नया फिटनेस बन गया, हर कोई उसमें फिट और खूबसूरत दिखता है, सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस इंस्टाग्राम ट्रेंड वेयर एवरीबॉडी, एवरी बॉय इज लाइक शोइंग ऑफ हिज मसल्स, एवरी गर्ल इज लुकिंग प्रीटी, सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, पहला एस्पेक्ट है कि यस आपको एप्रिसिएशन मिलती है, बिकॉज देखिए फिजिक बनाना एक बॉडी बनाना ऐसी चीज है जो आपको कोई गिफ्ट नहीं कर सकता, उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, कितने भी पैसे लगा लो कुछ भी लगा लो, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपका फिजिक नहीं बनेगा, एंड दैट इज अ फैक्ट। सो पहली बात है कि अगर आपने खुद वर्क हार्ड किया है तो और आपको एप्रिसिएशन के लिए लाइक्स मिल रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं आपको, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है जो मेरे को लगता है कि थोड़ा इशू क्रिएट होने लग गया है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये हमारा चैप्टर 1 है, वो किसी का चैप्टर 40 होगा, ये हमारा फर्स्ट मंथ है जिम पे, ये किसी का 7th ईयर होगा जिम पे, तो उधर कंपैरिजन हो के थोड़ा सा हमें डिसहार्टेंड फील करते हैं। ये एक इशू है, अगर कंपैरिजन ना किया जाए एंड सोशल मीडिया को इंस्पिरेशन के लिए यूज किया जाए तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। Who do you think are the fittest people of India? Who inspire you? Literally everybody. Everybody who's putting in efforts, because you know, fittest की कोई डेफिनेशन नहीं है सच। आप किसी को किसी से फिट नहीं बोल सकते, बिकॉज हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग है। जैसे आपका लाइफ स्टाइल अलग होगा किसी और का, फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल अलग है। आप अगर अपने एंड से अपना 100% एफर्ट डाल रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप अपने आपके लिए मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा फिट हैं। अगर मैं 100% डाल रहा हूँ तो मेरे लिए मैं सबसे ज़्यादा फिट हूँ। तो वही है, मेरे को तो हर कोई जो एफर्ट्स डाल रहा है एंड यू नो प्रोग्रेसिवली एफर्ट्स डाल रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, वो इंस्पायरिंग है। तो ऐसे मैं किसी एक को वो चीज़ नहीं देना चाहूँगा। एंड एक चीज़ मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी फिटनेस और हेल्थ के टूवर्ड्स डालने चाहिए एफर्ट्स, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग बेटर, इट्स अबाउट फीलिंग बेटर, लॉन्जेविटी। अब आपको पता है जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट होगी, एंड जब अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ बेटर है तो इम्यूनिटी भी बेटर होगी। आप भी सोशल मीडिया पे आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, तो किस तरह का प्यार, किस तरह की क्वेरीज जनरली आपको मिलती हैं, एंड हाउ डू यू मेक द बेस्ट ऑफ सोशल मीडिया? डेफिनेटली जब मैंने सोशल मीडिया चालू भी किया था, जब हमारे 100 फॉलोअर्स थे, उस टाइम पे भी मैंने एक गोल बनाया था कि मैंने अपने ऑडियंस को एजुकेट करना है,
तो स्टार्ट किया था हमने बेसिक जो मिथ्स होते हैं फैट लॉस से रिलेटेड, मसल गेन से रिलेटेड, उससे बात करनी स्टार्ट करी थी। बट अब ओवर टाइम हम धीरे धीरे मूव करने लगे हैं हेल्थ रिलेटेड स्टफ। अब जैसे कोविड आ गया तो हेल्थ रिलेटेड स्टफ भी बात करते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन जो भी क्वेश्चन होता है हम उसे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जनरली हम न्यूट्रिशन की मेन बात करते हैं, न्यूट्रिशन, विटामिंस, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप, फीमेल फिजियोलॉजी, ये सारे हमारे फोर्टे हैं। तो कैसे आपने शुरुआत की? बिकॉज दिस इज फॉर दोज पीपल हु वांट अ करियर इन न्यूट्रिशन, सो आई वांट टू हियर योर जर्नी, हाउ डिड यू स्टार्ट ऑफ? यस, सो बेसिकली इट स्टार्टेड विद माय ओन ट्रांसफॉर्मेशन बैक इन 2012, 44 केजीज कम किया। उसके बाद एक दो मैंने फ्रेंड्स को हेल्प किया एंड उनमें से एक फ्रेंड जिसने 60 केजीज कम किए वो मेरे से भी ज्यादा, तो उन्होंने मुझे आगे बोला कि यार आपने यू हैव चेंज्ड माय लाइफ। तो उस दिन मुझे फील हुआ कि ये चीज कितनी एम्पावरिंग है कि अगर हम किसी को हेल्प कर रहे हैं किसी की लाइफ चेंज करने में, बिकॉज जब हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा फैट लूज करने को होता है, तो जनरली कॉन्फिडेंस वगैरह क्रश हो जाता है हमारा, इतना अच्छा नहीं रहता। फिर मेरे मन में आई कि क्या पता मैं भी ऐसे लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं कुछ सालों तक पढ़ते रहा, सीखते रहा, खुद पे अप्लाई करते रहा, खुद गलतियां करते रहा एंड उनसे इम्प्रोवाइज करते रहा। फिर 2017 में जब मैं लॉ परस्यू कर रहा था, मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ लोगों को हेल्प करते हैं। फिर करना स्टार्ट किया तो रिस्पांस बहुत अच्छा आया, एजुकेशन प्रोवाइड करनी स्टार्ट की। फिर रियलाइज़ किया कि मुझे लोगों को एजुकेट करके बहुत अच्छा लगता है। फिर हमारा इंस्टाग्राम ग्रो करता रहा एंड अब ऑलमोस्ट 3500 लोगों को हम सक्सेसफुली कोच कर चुके हैं। यस, तो बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत सारी बातें हमें पता चली, क्योंकि एंड राइट नाउ ये जो आपने बताई जो टिप्स, आई एम श्योर वी ऑल आर गोना अप्लाई एंड सेल थ्रू दिस लॉकडाउन। बट जाते आते कुछ एहतियात हमें इस लॉकडाउन में बरतनी चाहिए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले इम्यूनिटी की बात थी, अब ये ब्लैक फंगस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रोज नई, और ये इंस्टाग्राम के अलावा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो ज्ञान है जो बड़ा ही जानलेवा, रोज कुछ ना कुछ नई थ्योरी आ जाती है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? बिल्कुल जी, रूल नंबर वन ये है यहाँ पे कि इंस्टाग्राम, पहली बात तो मैं इंस्टाग्राम की करता हूँ कि कुछ अकाउंट्स इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया इस चक्कर में कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी आपने स्पेशली इतने इंट्रिकेट मामले में अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, व्हाट्सएप से नहीं, अच्छे डॉक्टर से लीजिए, क्रेडिबल सोर्सेस से लीजिए, मीडिया से लीजिए। आज तक पे कोई ऐसी आ रही इन्फॉर्मेशन वो ग्रैब करिए, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड स्टेप मेरा ये रहेगा कि एहतियात, सबसे पहले तो देखिए लॉकडाउन को का पालन करना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए, बिकॉज मास्क या डबल मास्क पहनने से अपनी हम खुद को कोविड से बचा सकते हैं। थर्ड हो गया वैक्सीन लगानी चाहिए। जब हम बात करें न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग की, जनरली रूल सेम ही रहते हैं कि हमने मेक श्योर करने की कोई डेफिशिएंसीज नहीं है। कॉमन डेफिशिएंसीज बता देता हूँ हमारे कौन कौन सी रहती है, बी स्पेक्ट्रम विटामिंस, जिंक, विटामिन डी, विटामिन सी, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इनफ प्रोटीन होना चाहिए डाइट में, वेरी जनरली बता रहा हूँ, इनफ हेल्दी फैट्स होने चाहिए डाइट में, और स्लीप हमारी एटलीस्ट 8 hours होनी चाहिए हर रात को। एंड इसके अलावा एक्टिविटी अगर जनरली हमारी रहेगी, कुछ कार्डियो रहेगा, पूरे वीक में 3-4 सेशंस ऑफ वर्कआउट रहेंगे, वो इम्यूनिटी को इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। आई एम श्योर दिस टिप्स वी ऑल आर गोना यूज एंड मैंने कहा एक बार फिर से सेल थ्रू कर लेंगे ये लॉकडाउन का टाइम, एंड हैप्पी डेज विल बी बैक अगेन सून। थैंक यू सो मच यश, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ। Thank you, sir. Likewise. Thank you. Goodbye.